मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, महाराजा हरी सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। की ही बात हो रही है, कुल 90 सीटों पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, ये तो जाहिर तौर पर आप ही पिक्चर को क्लियर कर सकती हैं। और जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ा गया है, लड़ने की कोशिश की गई है, उसमें मुद्दों को जिस तरह से गिनाया गया, क्योंकि आज आपकी तरफ से विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगातार निशाना साधा गया, और जिस तरह से अमित शाह ने भी कहा कि आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आती है, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आप लोगों पर ही आरोप लगा रही है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए था वापस, अभी तक उस पर काम नहीं किया गया, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा जमीनी सतह पर। अच्छा जी, जम्मू से तो हम सभी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कश्मीर में कुछ सीटें छोड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं स्टेटहुड को लेकर, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको क्लियर कर दिया अपनी रैली से कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्टेटहुड का दर्जा जो देगा वो कहीं ना भाजपा ही देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकेगी। ये लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में कोई ऐसी पावर नहीं है कि ये स्टेटहुड का दर्जा दे सके। ये लोगों को जैसे एनसी और कांग्रेस लोगों को 370 पे बरगला रही थी, कहीं ना कहीं अब वो स्टेटहुड के दर्जे पर जम्मू के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। मगर जम्मू के लोगों को पता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते भी हैं, अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। उनका पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो जो लोगों ने उनसे अपेक्षाएं रखी थी वो सब काम हुए हैं। चाहे डेवलपमेंट की बात करूँ, चाहे पैकेजेस की बात करूँ, चाहे हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के अपलिफ्टमेंट की बात करूँ, तो अलग अलग जो काम किए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो जम्मू की जनता के लिए और कश्मीर की जनता के लिए भी किए। उन्होंने धर्म के आधार पे कहीं पे कोई अलग अलग स्कीम नहीं बांटी है, मगर पूरे जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर को कैसे डेवलप किया जाए उसको काम किया है। लेकिन राहुल गांधी को तो आपने सुना होगा राहुल गांधी को तो सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नहीं, आपस में हम लोग नहीं लड़वा रहे, असल में इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि कश्मीर में ये कांग्रेस, एनसी की स्ट्रेटेजी थी कि कश्मीर में ये कांग्रेस का वोट खींच ले। जब उन्होंने देखा कि दो फेज कंप्लीट हो गए हैं, अब जम्मू की तरफ मूव करना है, तो अब उन्होंने कांग्रेस का भी पल्ला झाड़ लिया। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने सही में कोई काम नहीं किया जम्मू की जनता के लिए, जिसके लिए उमर को भी ओपनली ये बोलना पड़ा कि राहुल गांधी जी जम्मू को फोकस करें, जिन जम्मू के लोगों की जो अपेक्षाएं उनके साथ थी वो आज तक फुलफिल नहीं हो पाई। तो आप समझ सकते हैं कि इनके कोलेशन में भी गड़बड़ चल रही है। दिखने को ये दिख रहा है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, बट ऑटोमेटिकली मुझे लगता है सरकार बनाने के लिए ये किस तरफ रुख कर जाएंगे, ये 8 अक्टूबर को ही। सोहेल जी वो कह रही है कि गठबंधन ही अभी क्लियर नहीं हो पाया है, आपसी तालमेल बनेगा कि नहीं, आशा जी जब गठबंधन होता है तो उसमें आपने देखा 5-6 सीटों पे वो फ्रेंडली मैच लड़ रहे हैं। फ्रेंडली मैच का मतलब हो गया कि वहां सहमति नहीं बनी है, वो बनिहाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां दोनों लीडर जो है दिग्गज हैं, और एक पार्टी प्रेसिडेंट रहा है कांग्रेस का और दूसरा शाहीन साहब जो है वहां से काफी देर से, उनकी फैमिली का बड़ा रोल है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये सब चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल दे आर यूनाइटेडली फाइटिंग द इलेक्शन, और जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने आएगा। दूसरी बात ये मैं कह दूं आपसे कि 5 साल से मैं बड़े सीनियर लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथ कभी कहीं विचार विमर्श करते हैं, मैं हमेशा उनसे कहता रहा हूं, आज भी रिपीट करता हूं कि जनाब स्टेटहुड अगर देनी है, हम डिमोट हुए हैं तो इलेक्शन से पहले दे देते, इलेक्शन से पहले दे देते तो जम्मू कश्मीर का जो लोग हैं, जो आवाम है, वो अपने आप को फील गुड का जो एक फीलिंग है वो रखती, और उसका जो 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 इंटरेस्ट है वो लोग आपको जरूर देते अगर आप स्टेटहुड पहले ही उसको अनाउंस कर देते। अब इलेक्शन के बाद आप स्टेटहुड अनाउंस करते हैं, अल्टीमेटली तो स्टेट बननी है। देखिए अब ये दो नेशनल पार्टीज हैं, आज इनकी सरकार है, ये स्टेटहुड देंगे नहीं देंगे, 2-3 साल बाद दूसरी सरकार आएगी वो देगी। अल्टीमेटली स्टेटहुड तो लोगों की डोमेन में आनी आनी है, क्योंकि कोई ऐसा स्टेट आज तक हिंदुस्तान में नहीं है जो डिमोट हुआ हो, फिर उसको टुकड़े कर दिए हो दो यूनियन टेरिटरीज में, और उस तरह से वो नहीं चलता है।
जमहूरियत के और कॉन्स्टिट्यूशन के भी अपने तरीकाकार है, कोई लवाजमात है, उस पर तो होना ही होना है। जहां तक इलेक्शंस की बात है, इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि अपेक्षाएं हमेशा रूलिंग सरकार के साथ रहती है। 5 साल से यहाँ प्रेसिडेंट रूल चल रहा है और यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव डोर्स खुले नहीं थे। मैं बहुत बार जब भी कभी मौका मिलता है तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जनाब आप कॉरपोरेशन यहाँ हेडलेस पड़ी है। गवर्नर साहब के एक एडवाइजर थे कम से कम 92 के पैटर्न पे, दिनेश जी को पता है, 91 के पैटर्न में जीसी सक्सेना टाइम पे 9 एडवाइजर्स हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव डोर से महरूम है, वो लोग आपका ट्रस्ट डेफिसिट को नहीं होने देते, कम से कम मेंटेन करते। अल्टीमेटली तो लोगों के लिए सरकारें होती हैं, लोगों के लिए गवर्नर रूल लगते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पांच साल में कितना कुछ बदल गया ना? अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।